पुणे पोर्शे हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां 17 साल के नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला कर उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया है। इससे पहले पुलिस ने उसके बिल्डर पिता को गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 19 मई को पोर्श कार की टक्कर में बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई थी। पुणे पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जेजे बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि नाबालिग आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस ने ऊपरी अदालत से भी अनुमति मांगी है। फादर को जामीन नहीं देना चाहिए, इसके बारे में सरकार पक्ष की तरफ से और हमने भी इंटरवेनर की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया है और उन्होंने जिस आधार पर जामीन बेल मांगने की कोशिश की है वो कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं और उन्होंने कहा है कि 24 तक उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। मुझे लगता है कि कानूनी तरह से कोई सोचेगा और देखेगा तो भी ये दिखाई देता है कि फादर है उसकी कम्प्लीटली गलती है। उसने अपने लड़के को व्हीकल चलाने के लिए नहीं देना चाहिए था। उसके पास वो 18 ईयर्स का नहीं है, फिर वो जा नहीं सकता है पब में, फिर भी पब में जाने की अनुमति देना ये भी गलत है। और उन्होंने जो एक तकलादू स्वरूप का युक्तिवाद प्रेजेंट करने की कोशिश की कि ड्राइवर को उनके साथ भेजा था, तो ड्राइवर को भेजा था तो ड्राइवर ने कार ड्राइव करना चाहिए था। जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो कार चलाएगा और ड्राइवर बाजू में बैठेगा, ये भी कम्प्लीट इलीगल थिंग है। बता दें कि पुणे पुलिस ने मंगलवार को विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया था। विशाल की आज कोर्ट में पेशी थी। दोपहर में पुलिस जैसे ही विशाल को सत्र न्यायालय ले जाने के लिए निकली तो रास्ते में एक संगठन से जुड़े लोगों ने विशाल पर स्याही फेंक दी। कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस वैन को रोकने की कोशिश की। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को हटाया। उसके बाद पुलिस वैन से आगे बढ़ गई। क्या है पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट का पूरा मामला आपको बताते हैं। पुणे में 17 साल के लड़के ने 3 दिन पहले शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था। हादसे में दोनों लड़का लड़की की मौत हो गई थी। मरने वालों की पहचान अनीश अवधिया 24 साल और अश्विनी कोष्टा 24 साल के रूप में हुई है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में काम करते थे। इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ आरोपी नाबालिग को रिहा कर दिया था। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बार के 2 मैनेजर, बार का मालिक, होटल कर्मचारी और आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल का नाम शामिल है।